बता रहे हैं कहाँ को जाना है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मेरे बाल बहुत छोटे हो चुके हैं, अब ऐसे बात के ऐसे आ रही है, देखो मेरी मुंह जैसी। और ये है दीदी, ये खाना बनाने आती है यहाँ। दी आपका नाम क्या है? तो ये सुनीता दी है यहाँ पे। कितने साल हो गए दी आपको यहाँ? तो दीदी 3-4 साल से आ रही है यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो और ये देखो मम्मी लगी है फ्रिज। दाल और रोटी बना के गई थी। सब्जी आप बना रहे हो? सब्जी क्या बोले? अच्छा हाँ, तो ठीक तो है। काटोगी भी आप ही? बनाओ फिर बनाओ। मम्मी अमरूद काट के दे देना प्लीज। सो गाइज, अभी हमारा डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, 2-3 लोगों की हो चुकी है। और अभी मैंने लगाया है हाँ। बज चुका है सुबह का 7 और हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर। छतरपुर मंदिर जो दादा के कमरे से ना सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए। हम अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। कहाँ गए मम्मी पापा? कहाँ हैं? रुक जा, आने दे, आने दे, रुक जा। फोटो छोड़ना जी है छतरपुर का बहुत फेमस मंदिर। इसका नाम क्या है सुनो? वैसे इसको छतरपुर मंदिर ही कहते हैं। बहुत फेमस है, इतना बड़ा है ना ये। आउटडोर तो मैंने दिखाया ही नहीं है खाली, और खाली अंदर अंदर दिखाया है। तो वैसे यहाँ पे ना वीडियोग्राफी अलाउ है, वो बस मूर्तियों की फोटो वोटो अलाउ नहीं थी। तो हमने जो बाहर का एरिया था, मतलब तो उसके मंदिर के अंदर का एरिया ही लिया। मम्मी आपको बहुत अच्छा लगा, हम दूसरी बार आ गए यहाँ। आप लोग फर्स्ट बार आए हो, कितने 50 साल की हो गई होंगी, मैं आज ही आई यहाँ नवरात्रि में फर्स्ट बार। अब आते रहोगे आप? हाँ, अब भगवान ने चाहा तो क्या कहा, अगले साल भी आओगे। 8 बज चुका है, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। अब थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, उसके बाद हमें निकलना है नैनीताल को। हमारे घर जाने की तैयारी चल रही है। देखो हमारा सामान कैसा बिखरा पड़ा है यहाँ पर सारा। अब हम लोग जा रहे हैं घर को। कहाँ है? अपना ब्रश ले लो, मैं कर देती हूँ। सारा ले लिया सामान, ये पकड़ लो तुम बैग। ये बॉक्स भी ले जाऊँ फिर? किसमें रखी है ये बॉक्स में? ना ना, ऐसी ऐसी ले जाते हैं। पानी कहाँ है? मैं पानी पी रही हूँ। पानी कहाँ रखा सुनो? पानी कहाँ रखा तुमने? नहीं नहीं, ये इसमें नहीं ले जा रही मैं। अरे पानी की बोतलें भी ले जाते हैं ना रास्ते के लिए। हाँ ले जाते हैं, इसमें डालते हो? इसमें तो जूते हैं। चलो मैं हाथ में पकड़ रही हूँ।
मम्मी चलो 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 मम्मी प्रणाम हाँ बाय। लिपस्टिक दे दी आपने, मिल गई थी लाओ दो, ये मिल गई मिल गई। चलो बाय 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 मम्मी। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 4 बजने वाला है, मतलब 3:40 हो रहे हैं और हम अब निकल रहे हैं दिल्ली से। पहले सामान एडजस्ट कर लेते हैं और हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है। देखो ये है पूरी पीछे भरी हुई है, ये आगे रख दो ना, फलों की टोकरी भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, कोई चकिंग वाला मिलेगा तो। मतलब ये काला बैग ऐसे रखना, रास्ते में जरूरत पड़े तो इसको ले ले। पापा पापा ही पकड़ना, एक सेकंड पानी की बोतलें दे देना हम मेरे को। आराम से ज़्यादा देर मत करो। ज़्यादा क्या? चलो ठीक है पापा पढ़ा। रुक जा हाँ सुन, दूसरी बोतल का है बोतल है यहाँ डाल देते हैं ना। गर्म हो रहा है पापा, गर्म बता रहे हैं कहाँ को जाना है। बाय बाय। हम ना कल रात को निकलने वाले थे, बट रात को ना हमें कितना 10:30 हो गया था, तो इन्होंने कहा कि यार अभी नहीं निकलते। हमने कहा चलो ठीक है, तो अभी हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं। मतलब ऊपर से हम लोग ये 3 बजे उठ गए थे, मेरे को 3:30 बजे उठाया इन्होंने। तो अभी ना निकलते निकलते हम लोगों को ना 4 बज चुका है, तो 4 बजे देखो कितने टाइम बता रहा है गर्म पानी तक। मुरादाबाद कितनी देर दिखा रहा है, 5-15 में मुरादाबाद तो हाँ। अरे आज तो बहुत कम दिखा रहा है मुरादाबाद। उस दिन हम कितने घंटे में पहुंचे थे मुरादाबाद से? मुरादाबाद हम पहुंच गए थे उस दिन 7 बजे है ना, और हम यहाँ 10 बजे पहुंचे, और अभी मुरादाबाद 1:18 दिखा रहा है बस। और गली के कुत्ते घूम रहे हैं, गली के कुत्ते। थोड़ा सर दर्द हो रहा है सुबह सुबह निकलने में। मुझे वहां पता है 11 बजे तक किसी भी हालत में पहुंचना है। पहुंच जाएंगे हम 11 बजे तक हैं यार, क्योंकि ना आज कोई आने वाला है सैलून पे। मैंने उसको बोला था कि आज मैं पक्का मिल जाऊंगी, तो मैं 11 बजे तक ना पहुंचना ही पड़ेगा यार। पीछे देख सकते हो पूरा ना ऊपर तक भर रखा है, और पीछे डिक्की तो अभी फुल हो रखी है बिल्कुल। यार कभी कभी ना बहुत अच्छा फील होता है, अपनी गाड़ी लेने का यही फायदा है कि यार जितना सामान है ना ठूसो बस ठूसो। और मतलब अभी मम्मी पापा लोग वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पापा की ना नाक की सर्जरी है। शीशा खोलो, मच्छर नहीं आएंगे। अच्छा यार बाहर से सामान बटक 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 कर रहा है, अभी खोल दिया। थोड़ी देर के लिए शीशा खोला, इतनी गंदी बदबू आ जाती है ना यहाँ, क्या बताऊँ। तो भाई जी देखो पूरा सामान लेके हम लोग तो निकल चुके हैं। बाय बाय, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं, और अब ना आगे की जर्नी आपको दिखाते रहूँगी।